गुरुद्वारा श्री भजनगढ़ साहब में सावन मास की संक्रांत का दिन डेरा मुखी बाबा गुरप्रीत सिंह जी की रहनुमाई में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। श्रद्धालुओं द्वारा पहुंच गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लिया गया, वहीं शब्द कीर्तन का सर्वन भी किया गया। इस मौके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से खीर और पूड़े का लंगर भी लगाया गया। इसमें बोलते हुए और क्या कहना था, गुरुद्वारा श्री भजनगढ़ से मुखी संत बाबा गुरप्रीत सिंह जी का जनसवेक्टर टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। हाँ जी, की कहना चाहोगे बाबा जी, जिहड़ा अज दा प्रोग्राम सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत ने रल मिल के ये पवित्र दिहाड़ा सावन की संक्रांत का मनाया, जिस विच महान गुरमत संत समागम होए ते गुरु का लंगर टुट वरता ते बहुत सारिया संगत ने आके सहयोग दिता। तो बड़ा माण महसूस होंदा सारिया संगत ने रल मिल के जो उपराला किया, साहब ने दान दिता, सारे दिल दिया गहराइया से धन्यवाद करते हैं। विदेश दिया बैठिया सारिया संगत धन्यवाद करते हैं कि बहुत सोहना उपराला किया, अपना सावन की संक्रांत का दिहाड़ा मनाया गया। तो इस तरह ही हर वेले हर कदम के साथ दो, अभी रल मिल के कि होर प्रोग्राम करिए तो सहयोग दिते जान, आप होर नवी नवी तैयारी करिए। इस गुरद्वारे की इमारत बनाने वास्ते आप अगे वधो ते गुरद्वारे की इमारत बनाने वास्ते योगदान पाओ, थोड़ा बहुत जिवें दान पाउणा और दान दो। सारिया संगतां नूं हाथ बन के बेनती है कि तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। आई गई सारी संगत का धन्यवाद। सावन दे संक्रांति दिहाड़ा मनाउण दा कारण सारी संगत नूं जोड़ना, गुरु घर नाल जोड़ना, आई कुछ लैके नहीं जाना, सब कुछ इत्थे रह जाना। सारिया संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।